वेलकम बैक। यस बैंक की तरफ से दो बैड अपडेट आ रही हैं कि यस बैंक ने अपने फाइनेंशियल चार्ज और लेट पेमेंट चार्ज में कुछ करेक्शन किया है। पहले हम बात करेंगे लेट पेमेंट चार्ज के करंट प्लान की। अगर आप 100 रुपये से कम का लेट पेमेंट करते हैं तो आपको उस पर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा, लेट पेमेंट चार्ज। अगर आप 101 से 500 रुपये के बीच में करते हैं तो आपको 150 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज पे करना पड़ेगा, और 501 से 5000 रुपये के बीच में करते हैं तो 500 रुपये का, और 5001 से 20000 तक करेंगे तो 750 रुपये का, और 20000 से ऊपर करेंगे तो आपको 1000 रुपये का लेट पेमेंट फीस चार्ज पे करना पड़ेगा। और जो 15 जून 2023 से एप्लीकेबल होगा वो प्लान है, अगर आप 100 रुपये से कम का ड्यू रखेंगे तो उस पर आपको किसी भी तरीके का लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, और अगर आप 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में रखेंगे तो आपको 100 रुपये लेट पेमेंट फीस चार्ज पे करना पड़ेगा। 501 से 5000 रुपये के बीच में आपको 500 रुपये का, 5001 से 20000 रुपये के बीच में 750 रुपये का, और 20000 से 25000 रुपये के बीच में आपको 750 रुपये का, और 25001 से लेकर 50000 रुपये तक के में 1100 रुपये का, और 50000 से ऊपर के अमाउंट पर आपको 1200 रुपये का लेट पेमेंट फीस चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो लेट पेमेंट चार्ज है वो इंक्रीज किया हुआ है। इसके अलावा यस बैंक ने अपने जो फाइनेंशियल चार्जेज हैं उनमें भी कुछ करेक्शन किया है। करंट में जो फाइनेंस चार्ज अभी आपको पे करना पड़ता है अगर आप ड्यू का पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो 3.60% का पर मंथली आपको फाइनेंस चार्ज पे करना पड़ता है, और एनुअली हो गया 43.20% का पर एनम आपको फाइनेंस चार्ज पे करना पड़ता है। 15 जून 2023 के बाद आपको 3.80 पर मंथ आपको फाइनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा, मतलब एनुअली आपको 45.60 पर एनम फाइनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा। यस बैंक ने अपने लेट पेमेंट चार्ज और फाइनेंस चार्ज दोनों को ही इंक्रीज किया है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अपने जो ड्यू हैं उनको टाइम से पेमेंट करें, जिससे आपको किसी भी तरीके का फाइनेंस चार्ज पे नहीं करना पड़े। अगर आप ड्यू को टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो फाइनेंस चार्ज भी लगेगा, लेट पेमेंट चार्ज भी लगेगा, इसके साथ आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा। तो हमेशा याद रखें अपने ड्यू का पेमेंट टाइम से करें। अगर आप अभी किसी भी कंपनी की बाइक खरीदने का सोच रहे हैं और आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उससे जाकर आप खरीदें, 5% तक आपको कैशबैक मिलेगा, साथ में आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, और ये जो ऑफर है 30 जून 2023 तक अभी अवेलेबल है। अगर आप सोच रहे हैं तो जल्दी से आप अपनी बाइक खरीद लें, रिवार्ड पॉइंट भी लें और कैशबैक भी लें। और ये कंपनी की लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर भी आप वहाँ पर अपने ऑफर को क्लेम कर सकते हैं और बाइक खरीद सकते हैं, कैशबैक ले सकते हैं, रिवार्ड पॉइंट ले सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।